विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे आज जी। तो इसी के उपलक्ष्य में डिप्टी मेयर साहब भी आए हैं, पार्षद साहब भी आए हैं। हम लोग डिप्टी मेयर साहब नहीं जाइए, हम लोग शॉप शॉप में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि आप सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग दें। यहाँ पे लोग दुकान बंद करके रात को अपना कूड़ा बाहर रख के चले जाते हैं, उससे बहुत दिक्कतें होती हैं, फिर रात को गाय बाएँ फैलाती है, सुबह स्वीपर्स को दिक्कत होती है। तो गाड़ी आती है यहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए 2 से 5 बजे तक, उसी गाड़ी में अपना कूड़ा दें, अधिकृत कर्मचारी को ही दें और किसी को ना दें, अपना कूड़ा सही जगह दें ताकि सही तरह से निस्तारण हो पाए। और सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके दिन का खाना बच जाता है, अगर वो ड्राई वेस्ट में मिक्स हो जाए तो वो रिसाइकलिंग नहीं हो पाता, वो फिर लैंडफिल बनेगा, उसका पहाड़ बनेगा। आज तो पालमपुर में स्थिति ठीक है, लेकिन अगर इसको काबू नहीं किया गया तो ये 5-7 साल बाद हम ही लोगों को यहाँ पे, जो यहाँ के निवासी हैं उनको परेशान करेंगे। इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है, विनती है कि अपना गीला और सूखा कूड़ा प्लीज अलग अलग करके दें। डिप्टी मेयर साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अनीश नाग जी, एक अच्छी रैली है और ये मुद्दा जो है काफी समय से आ रहा था कि कूड़े का निष्कासन नहीं हो पा रहा, क्योंकि लोग जो है कूड़े का इकट्ठा जो है फेंक रहे थे, आज ये रैली निकाली गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहते हैं और रैली का मेन मकसद जो है हमारा यही है कि लोगों को जागरूक करें, होटलों को जागरूक करें, जितने भी व्यवसायी हैं उनको जागरूक करें कि वह गीला कूड़ा जो है अलग अलग से दें, गीला और सूखा अलग अलग से दें, ताकि आने वाले समय में ये कठिनाई हमें ना झेलना पड़े। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ये लोग जो हैं कई भी कूड़ा स्थल वहाँ पर वो डंपिंग साइटें बन गई हैं, मगर यदि यहीं से सेग्रीगेट होकर आएगा तो इससे जल्दी हमें निजात मिल सकती है। और जब सेग्रीगेट कूड़ा आता है तो काफ़ी हद तक कूड़ा जो होता है बिकने लायक होता है, और जो गीले की हम खाद बनाएंगे वो भी हमारे जो ऑर्गेनिक खाद होती है खेतों में यूज हो सकती है। तो हम लोगों से ये एग्री करने आज निकले हैं पालमपुर, खासकर पालमपुर में, कि हमारा नगर निगम का सहयोग करें और गीला और सूखा कूड़ा अलग से दें। धन्यवाद। गीला सूखा कूड़ा